राधे राधे दोस्तों, नवरात्रि बहुत नज़दीक आने वाला है। इसके लिए आज हम बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल गरबा ज्वेलरी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे मैंने फैब्रिक और मिरर और कौड़ी सेल से बनाकर तैयार किया है, जो दिखने में बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही यूनिक लगता है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक राउंड शेप में बकरम सीट को कटिंग करके लिया है और ब्लैक कलर का फैब्रिक लिया है। राउंड सीट को हम ब्लैक कलर के फैब्रिक पे अच्छे तरीके से चिपका लेंगे और इसे चारों तरफ से हम कवर कर लेंगे। फिर इसके पीछे भी हम ब्लैक कलर का फैब्रिक चिपका लेकर हम सिक्योर कर लेंगे। आप देख सकते हो हमारा सिक्योर हो गया है। मैंने एक राउंड शेप में मिरर लिया है, जो मैंने सीडी से कटिंग करके निकाला है। इसे हम बीच में चिपका लेंगे। अगर आपके पास कट मिरर हो तो आप यू भी यूज कर सकते हैं। फिर मैंने कॉटन थ्रेड लिया है और मिरर के चारों तरफ से अच्छी तरीके से सिक्योर कर लेंगे। कॉटन थ्रेड को हम 7-8 बार राउंड में लगाएंगे। आप देख सकते हो मैंने किस तरह से लगाया है। कॉटन थ्रेड को लगाकर हम तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम कटिंग कर निकाल लेंगे। फिर हम कौड़ी लेंगे। देख सकते हो मैंने प्लास्टिक का कौड़ी लिया है और राउंड शेप पे इसे अच्छे तरीके से सुई की हेल्प से लगा देंगे। मैंने इस पे 8 कौड़ी सेल लगाया है। अब देख सकते हो हमारा कौड़ी लगकर तैयार हो गया है। इसके बाद हमें बकरम सीट लेंगे और उसे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। उसी तरह से हम ब्लैक फैब्रिक को भी कटिंग करेंगे। इस पे चिपका कर हम अच्छी तरीके से सिक्योर कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे तरफ से हम चिपका लेंगे। फिर इसके ऊपर से भी हम ब्लैक फैब्रिक को चिपका कर सिक्योर कर लेंगे। इसी तरह से हम दो बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके ऊपर हम मिरर लगाएंगे। आप वीडियो में देख सकते हो मैंने किस तरह से मिरर लगाया है। फिर उसके बाद हम कॉटन थ्रेड लेंगे और सारे मिरर को हम कॉटन थ्रेड से अंडरलाइन करेंगे। कॉटन थ्रेड से हम दो दो बार अंडरलाइन करेंगे। पूरे पर हम इसी तरह से अंडरलाइन करके तैयार कर लेंगे दोनों पे। आप देख सकते हो हमारा तैयार हो गया है। फिर हम सिल्वर कलर का एक हुक लेंगे। इसे हम राउंड शेप पे अटैच करेंगे। आप देख सकते हो हमारा अटैच हो गया है। इसी तरह से हम दोनों तरफ अटैच कर लेंगे हुक को। फिर हम लंबा वाला जो फैब्रिक है उसमें हम सुई लगाएंगे और सिल्वर कलर का दो मोती इंसर्ट करेंगे और हुक में अटैच करेंगे। दोनों तरफ हम दो दो मोती लगाएंगे और फैब्रिक में अटैच करके इसे सिक्योर कर लेंगे। आप देख सकते हो हमारा सिक्योर हो गया है। इसी तरह से हम दोनों तरफ लगाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इस पे फीता लगाएंगे, जिसके लिए मैंने कॉटन थ्रेड का इस तरह से बना कर रखा है। इसमें हुक लगा देंगे और दोनों तरफ हम अच्छी तरीके से फीते को सिक्योर कर लेंगे। आप देख सकते हो हमारा ज्वेलरी बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके लिए इयररिंग्स बनाएंगे। इसके लिए मैंने बकरम सीट को इस तरह से कटिंग कर लिया है और ब्लैक फैब्रिक को भी हम कटिंग करके इसे हम अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। आप देख सकते हो हमारा कवर हो गया है। इसके पीछे भी हम ब्लैक फैब्रिक लगाकर अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। फिर हम कौड़ी लेंगे, इसके नीचे हम दो कौड़ी लगाएंगे। हमें दोनों इयररिंग्स पे दो दो कौड़ी लगाकर तैयार करेंगे। आप देख सकते हो हमारा लग गया है। अब हम एक पट्टी लेंगे, इसमें हम मिरर को चिपका देंगे और इसके चारों तरफ से कॉटन थ्रेड को हम लगा लेंगे। इसे हम दो लाइन लगाएंगे। फिर हम इसका कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके हम निकाल लेंगे। फिर हम इसमें इयररिंग्स का हुक लगाएंगे। पीछे हम बकरम सीट में इयररिंग्स को इंसर्ट करेंगे और उसके बाद बेस भी हम अच्छी तरीके से चिपका लेंगे। आप देख सकते हो हमारा चिपक के तैयार हो गया है। अब हम इयररिंग्स पे इसे अच्छी तरीके से बीच में चिपका लेंगे।
आप देख सकते हो हमारा इयररिंग्स बनकर तैयार हो गया है और हमारा पूरा ज्वेलरी बनकर तैयार हो गया है। हमारा ज्वेलरी गरबा के लिए रेडी है। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।